एक फिल्म हमने जो बनाई है वो इट्स इमोशनल थ्रिलर सस्पेंस ड्रामा है, कश्मीर में है। एक साथ साथ मैं पहली बार जिंदगी में एक स्क्रिप्ट पढ़ी जो एक सस्पेंस फिल्म है बट बहुत इमोशनल भी है और बहुत मूविंग भी है। उस फिल्म को जब पीयूष झा मेरे दोस्त हैं उन्होंने डायरेक्ट किया, मैंने प्रोड्यूस की, तो प्रसून जोशी ने फिल्म देखी और उस फिल्म देख के वो इतना मूव हुए कि उन्होंने गाना लिखा हमारे लिए। वो गाना हमें इतना अच्छा लगा, वो गाना कुछ फिल्म को बांध रहा था कि हमने फिर से वो फिल्म को की रीमिक्सिंग की और उस गाने को फिल्म में डाला। एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, एक जो वहाँ पे परिस्थिति है, जो कहानी है उसको बहुत बखूबी वो जोड़ता है, उस पर टिप्पणी करता है, उस एक इमोशनल उसको एक बैकग्राउंड एक बैकअप देता है। बहुत अच्छा गाना है, बहुत खूबसूरती से लिखा है और शंकर एहसान लॉय ने म्यूज़िक बहुत अच्छा दिया है। तो उस गाने को हम अब पिक्चराइज कर रहे हैं और वी वेरी प्राउड दैट दे सॉर्ट ऑफ अग्रीड शंकर एहसान लॉय इन स्पाइट ऑफ द शेड्यूल। और प्रसून ने जिस दिल से लिखा है, वो जो अंदर से उसके बात निकली है वो बहुत ही खूबसूरत है। और आप गाना सुनिए और आप बजाएंगे तो आपको दिखेगा उसको जितना गाने पे और म्यूज़िक पे ज़्यादा बोलना। ऐसा होता है कुछ, एक कहावत है कि म्यूज़िक पे बात करना और आर्किटेक्चर पे कुछ डांस करना कुछ एक सा होता है। म्यूज़िक सुनना पड़ता है और म्यूज़िक महसूस करना पड़ता है, और आप उसे सुनिए और आप देखेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। Well, actually, let me tell you that none of the songs were in the picture right in the beginning. We shot the film, and after we shot the film, we composed the music. The music has been done as an original soundtrack. We first shot the entire film, edited it, and then looked at the film and said, okay, now we need this kind of music out here. Perhaps over here we can add a song to take this moment forward. Perhaps we can just use music. So it evolved after we did the whole edit, and that was my plan right from the beginning, that first I would do the edit and then look at what I wanted to add as a song. So this song is the last song which has been added into the film, and it is beautiful song. सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैंने अभी तक गाना सुना नहीं है, मैं अभी यहाँ पर आया हूँ और देखा शूटिंग हो रही है, लेकिन सुनने में आया कि गाना बहुत अच्छा है और दायरा होगा। शंकर एहसान लॉय उसको कंपोज कर रहे हैं, प्रसून जोशी ने लिखा है। सो पीयूष झा ने भी हमसे छुपा के रखा है कि गाना कि कहता है अभी शूट हो जाए और तब मैं तुम लोगों को सुनाऊँगा। एंड बहुत बहुत ईगरली हम वेट कर रहे हैं गाने को सुनने के। नहीं, ज़रूरत थी तभी तो, क्योंकि हमने एक्चुअली हम उन एक तरीका है कि हम प्रसून से चाहते थे गाना लिखवाना, तो हमने उनको फिल्म दिखाई और एक हमारे फिल्म को बांधने के लिए हमें गाना चाहिए था। तो एक ज़रिया हमने मतलब अब एक फिल्म किस तरह की है वो जब तक आप फिल्म ना देखें पूरी तरह से, क्योंकि बहुत ख़ास तरह की फिल्म है, उसको किसी एक तरह से आप कोई फिल्म जो है एक तो बहुत ग्रिपिंग है, बहुत इमोशनल है, हर मोड़ पे पता नहीं चलता क्या होने वाला है। एक कहानी सुनाने का जो अंदाज़े बयां है वो बहुत अच्छा है। तो जब तक आदमी उस फिल्म को ना देखे, इसमें कोई मतलब हीरो हीरोइन कोई नाच रहे नहीं रहे पेड़ के चारों तरफ, तो एक हमको एक गाना चाहिए था जो एक फिल्म को बांधे और प्रसून जैसा लिरिसिस्ट अगर उस पर से जुड़े और वो महसूस करे, जैसे कि उन्होंने एक मुंबई में जो हादसा हुआ था उसको महसूस करके उस पर उसका जो उन पर असर पड़ा था तो इन्होंने कविता लिखी थी, उसी तरह से कुछ उन्होंने इस फिल्म पे को देख के भी वो मूव हुए और हम चाह रहे थे कि उनको एक गाना लिखें और उन्होंने वो लिखा। तो अगर ज़रूरत ना हो तो फिर गाना तो बेकार ही होता है। To watch more, log on to www.erosentertainment.com.